नमस्कार बच्चों, पद्य भाग में हमारा पहला और दूसरा अध्याय पूरा हो चुका है, जिसे एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो रिवीजन था पद्य का वो पूरा हो चुका है। अब आगे हम थर्ड चैप्टर पद्य भाग पढ़ेंगे, जिसका नाम है रहीम। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई। जन्म 1526, मृत्यु 1626। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रहीम कौन थे, जाति से मुसलमान थे, मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति थे। लेकिन इन्होंने साहित्य रचना की हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इन्होंने तीन बातें विशेष कही हैं रहीम ने। नंबर एक, नीति की बात, भक्ति की बात, ये दो बातें तो प्रमुख कही, और एक श्रृंगार की बात, ये कम कही है, कही तो है कम कही है, लेकिन ये दो बातें नीति और भक्ति की बात इन्होंने की है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि मुसलमान होने पर भी इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का वर्णन किया है, हिंदू देवताओं का, देवियों का वर्णन किया है। सबसे बड़े आश्चर्य की यह बात है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये सामंजस्यवादी कवि थे, समन्वयवादी कवि थे। ये चाहते तो इस्लाम के बारे में कुछ भी लिख सकते थे, अल्लाह के बारे में लिख सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये जनमानस की भावनाओं को समझते थे। इसके अलावा थोड़ा इनका परिचय प्राप्त कर ले, फिर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। रहीम का पूरा जो नाम था, रहीम का जो वास्तविक नाम था वो था अब्दुल रहीम। अब्दुल नहीं, अब्दुल रहीम। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम बैराम था। इनके पिता का नाम बैराम खां था। बैराम खां शब्द सुनकर आपको कुछ याद आ रहा होगा कि अकबर के जो पिता थे, जो भारत के सम्राट हुए अकबर, इनके जो पिता थे अकबर, जब अकबर बहुत छोटे थे, 9 महीने 10 महीने के, तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और पिता ने मरने से पहले, अकबर के पिता ने मरने से पहले बैराम खां को अकबर का संरक्षक बनाया था। बैराम खां उनके मंत्री थे, सहयोगी थे, मित्र थे, उनको संभलाया था कि भाई जो बच्चा है अकबर, इसका, इसकी देखभाल तुम करोगे, इसका ध्यान तुम रखोगे। ये दायित्व अकबर के पिता ने बैराम खां को संभलाया था, ये जिम्मेदारी बैराम खां को दी थी। बैराम खां ने अपनी इस जिम्मेदारी का विधिवत पालन किया और 16 वर्ष का होने पर अकबर को उसका साम्राज्य दे दिया। अब देख लो अकबर और रहीम की कितनी मित्रता थी। कुछ मैं बातें बताता हूं आपको रहीम के बारे में जो बुक में नहीं है, बुक से हटकर। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक,
अकबर के दरबार में नवरत्न थे। उन नवरत्नों में से एक नवरत्न रहीम थे। एक बात ध्यान रखना, ये केवल नवरत्न ही नहीं थे, नवरत्न का मतलब एक नो टॉप आदमी, दरबार के श्रेष्ठ आदमी, जो किसी भी क्षेत्र में जिनको महारत हासिल थी, संगीत में, कला में, ज्ञान की बातों में, वीरता में। तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कवि तो थे ही, अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे। रहीम के अलावा आठ और थे। इसके अलावा ये वीर व्यक्ति भी थे। कुछ अवसरों पर अकबर की सेना के सेनापति का दायित्व भी इन्होंने निभाया था, रहीम ने, मतलब अकबर के सेनापति भी ये बने। कब बने साहब अकबर के सेनापति? सुनिए, आपको मालूम है बच्चों कि अकबर और महाराणा प्रताप के 36 का आंकड़ा चलता था। 36 का आंकड़ा आपस में बनती नहीं थी। अकबर की नजर यदि थी तो मेवाड़ के ऊपर थी, क्योंकि पूरे भारत के ऊपर अकबर का एक छत्र साम्राज्य था, केवल मेवाड़, महाराणा प्रताप का जो राज्य था वो उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकता था। और राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हल्दीघाटी का युद्ध भी हुआ, और भी कई युद्ध हुए, जवेरी का युद्ध। तो महाराणा प्रताप को परेशान करने के लिए अकबर ने एक विशाल सेना भेजी, जिसका सेनापति उन्होंने बनाया रहीम को। रहीम को सेनापति बनाकर उनके नेतृत्व में मेवाड़ में सेना भेजी। आपको मालूम है जब पहले के जमाने में, पहले के समय में जब कोई सेना जाती थी तो ये तो है नहीं कि साहब कोई 10-5 दिन के लिए, 10-20 दिन के लिए जाती थी। आने जाने में लंबा समय लगता था, युद्ध में भी लंबा समय लगे, और केवल परेशान करने के लिए, घेरने के लिए ही जा रही है तो बहुत लंबा समय लगे। तो वो खाना पीना परिवार के साथ सब जाते थे, परिवार को भी लेकर जाते थे, जो बड़े सैनिक होते थे सेनापति वगैरह थे उनसे छोटे सामान्य सैनिक तो अकेले ही जाते थे। खाने पीने राशन सामग्री लेकर जाते थे, क्योंकि वहाँ महीने, 2 महीने, 6 महीने, 6-12 साल, 2 साल लग सकते हैं। तो सेना के लाव लश्कर के साथ रहीम रवाना हो गए और मेवाड़ के पास पहुँच गए, और मेवाड़ के चारों तरफ उन्होंने सेना का घेरा डाल दिया। रहीम सेना किसकी? अकबर। जब सेना का घेरा डाल दिया, स्वाभाविक है मेवाड़ के लोगों को परेशानी होनी थी, लेकिन वो परेशानी तो हुई नहीं हुई बात अलग है। एक रोज क्या हुआ, रहीम के बारे में बता रहा हूं, एक बार क्या हुआ कि महाराणा प्रताप का बेटा, क्या नाम था, अमर सिंह, अपने मित्रों के साथ राज्य के बाहर घूमने निकला था। उसको पता नहीं था कि ऐसी कोई सेना है, लड़का ही था। तो उसने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा और उस स्त्री को उठा लाया। अमर सिंह, महाराणा प्रताप का बेटा, अपने मित्रों के साथ एक सुंदर स्त्री को देखा और उस स्त्री को उठा लाया। उस स्त्री ने विरोध भी खूब किया कि भाई मत, मेरे को ले चलो, बहुत अनर्थ हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो अमर सिंह ने कहा कि कोई अनर्थ नहीं है, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। और ले जाकर, महाराणा प्रताप को ले जाने के बाद पता चला, उस स्त्री को दरबार में बुलाया गया, उससे पूछा गया कि भाई आप कौन हैं। तो उसने कहा कि मैं रहीम की बेगम, रहीम की पत्नी, सेनापति की पत्नी को उठा ले। अब यहां महाराणा प्रताप का रोल भी देखना। महाराणा प्रताप को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अमर सिंह को आदेश दिया कि अमर सिंह, जैसे तुम इस स्त्री को लेकर आए हो वैसे ही इसको छोड़कर दिया हो, सह सम्मान। और रहीम की बेगम से महाराणा प्रताप ने कहा कि माता, आप यहां पर उतनी ही सुरक्षित हैं जितनी सुरक्षित आप रहीम के पास होती, आपको घबराने की या परेशान होने की
कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर रहीम की बेगम बड़ी प्रसन्न होगी कि भाई ऐसे भी शासक हैं, ऐसे भी राजा हैं जो शत्रु की पत्नी को भी बड़े सम्मान से देखते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं, मान देते हैं। महाराणा प्रताप से वो बहुत अत्यधिक प्रभावित हुई और उसने कहा रहीम की बेगम ने कि महाराज मैं अकेली चली जाऊंगी, मुझे अकेले को जाने दो, आप राजकुमार को अमर सिंह को मेरे साथ मत भेजो, अन्यथा रहीम इसको दंड दे सकता है, मृत्यु दंड। किसका सेनापति था रहीम? अकबर का। शत्रु को मारने ही तो आया था। महाराणा प्रताप नहीं माने कि यदि दंड देता है मृत्यु दंड तो इसको मिलना चाहिए, क्योंकि इसने कर्म ही ऐसा किया है और जो आदमी जो काम करता है उसका फल तो उसे मिलता ही है। अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा बुरा फल मिलेगा। और साहब वो लेकर जाता है अमर सिंह रहीम की बेगम को, अमर सिंह को बंदी बना लिया जाता है। तब रहीम की बेगम कहती है कि आप बंदी बना रहे हो, ये तो बेटे के समान है हमारे लिए, ठीक है इससे गलती हो गई, इसके पिता ने मेरा बहुत सम्मान किया है, लेश मात्र भी थोड़ा सा भी मेरा अपमान नहीं हुआ महाराणा के दरबार में। जब रहीम की बेगम इतनी बात कहती है और वाकई सम्मान ही हुआ था, अपमान हुआ ही नहीं, अपमान तो एक ही हुआ था कि वो वहां से उसको उठाकर ले गया। तब रहीम सोचता है कि यार तो इतना बढ़िया आदमी है, वरना उस समय परंपरा तो ये थी कि शत्रु की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया जाता था, शत्रुओं की स्त्रियों को भोगा जाता था, अपहरण किया जाता था, और यहां लेकर गई हुई स्त्री को सहसम्मान लौटाया गया। तो उसने देखा कि भाई इतना अच्छा राजा है, इतने अच्छे लोग हैं, तो ऐसे राजा के राज्य को घेरना तो गलत है। उसी समय रहीम ने अपनी सेना को आदेश दिया और सेना वापस मेवाड़ से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। ये निर्णय किसका था? रहीम का। मतलब मानवतावादी हुआ, इंसानियत को महत्व देने वाला हुआ। यदि कोई और राजा होता तो ये बात नमक मिर्च लगाकर अकबर तक भेजता और शायद आक्रमण तक कर देता, लेकिन ये गुण केवल रहीम में दिखा था। समझ में आ गई घटना? रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहे बच्चों, अब्दुल मत कर देना। इनके पिता बैराम खान ने मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, हुमायूं की मृत्यु हो गई तो अकबर का पालन पोषण किसने किया? संरक्षक, रक्षा करने वाला बच्चे की, वो बैराम भाई था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। बुद्धिमान थे तभी तो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक नवरत्न थे, साहित्य प्रेमी भाई, अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे, साहित्य पढ़ते थे। उन्होंने अपने माता पिता से, रहीम ने अपने माता पिता से वीरता, क्योंकि बैराम खान भी अकबर का मंत्री था, अकबर रहीम के पिता, रहीम ने अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, वीरता, राजनीति, दानवीरता, अभी मैं दानवीरता का भी समझाऊंगा एग्जांपल, तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। इनको ये गुण विरासत में ही मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली था। उनका जो चेहरा मोहरा वस्त्र, उनका बोलने का तरीका, चलने का अंदाज बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। सामंजस्य मतलब एक मेलजोल की परंपरा में विश्वास करते थे, लड़ाई झगड़े में नहीं करते थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। उन्होंने जो लिखा उसमें रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, इनमें जो पात्र आए उन पात्रों का भी उन्होंने उल्लेख किया है अपनी रचनाओं में, अपने पुस्तकों में। इनके काव्य नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार, ये थोड़ा ध्यान से समझ लो, नीति लिखी मैंने, भक्ति लिखी, श्रृंगार लिखी, अब इसमें प्रेम और लिखा हुआ है, श्रृंगार, प्रेम श्रृंगार का ही एक पार्ट है, का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवे तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। छंद होते हैं, हिंदी लिटरेचर का टॉपिक है, हिंदी साहित्य का, कि साहब छंद, अलंकार,
काव्य गुण, काव्य दोष, रस, तो छंद जो होते हैं इनको कुछ छंदों में बिल्कुल एक्सपर्ट थे ये, बड़े निपुण थे। कौन कौन से छंद? दोहा, सोरठा, सवैया, बरवे आदि। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, बरवे रामायण, बरवे नायिका, दोहावली, बरवे नायिका, भेद, रस पंचाध्यायी, मदनाष्टक, ये प्रेम के बारे में, रास पंचाध्यायी और मदनाष्टक, तथा नगर शोभा, ये भी प्रेम के बारे में, श्रृंगार के बारे में। उन्होंने अपने अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया वह अद्भुत है। अभी मैं बता रहा था कि दानवीरता इन्होंने अपने इनको अपने पिता से विरासत में मिली, रहीम को दानवीरता इनको अपने पिता से, माता पिता से विरासत में मिली थी। कितने बड़े दानवीर रहीम का एक नियम था, रोज वो दान देते थे। अभाव तो था नहीं, अकबर के मंत्री थे, नवरत्नों में से कमी तो कोई थी नहीं, तो रोज ये दान देते थे बच्चों। तो इनके दान देने की घटना का पता एक बार तुलसीदास जी को सर, क्योंकि रहीम रोज दान देते, तुलसीदास जी भी उसी काल के, तुलसीदास जी भी साहित्यकार, रहीम भी साहित्यकार, तुलसीदास जी भी भक्त, ये भी भक्त, तुलसीदास जी अंतर इतना ही है, तुलसीदास जी राम भक्त, ये कृष्ण भक्त। तो तुलसीदास जी को ये भी पता चला साथ में कि रहीम जब रोज दान देते हैं तो दान देते समय इनकी आंखें झुकी रहती हैं रहीम की। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने सुना कि रहीम जब दान देते हैं तो रहीम की आंखें झुकी रहती हैं। अब ऐसे सामान्य सिद्धांत तो यह है कि आंख किसकी झुकी होगी? जो गलत काम करेगा उसकी आंख झुकेगी, जो सही काम करेगा वो तो सीना तान कर खड़ा होगा। आंख किसकी झुकेगी? जो गलत कर्म करेगा। तो तुलसीदास ने देखा कि रहीम दान देने जैसा अच्छा कार्य करते समय उनकी आंखें क्यों झुका लेते हैं, क्यों उनकी आंखें झुक जाती हैं। तो उन्होंने एक पत्र लिखा तुलसीदास रहीम, उसमें यही लिखा कि भाई रहीम जी आप दान देते हो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन आपकी आंखें क्यों झुक जाती हैं दान देते समय? दान नहीं देते जब आंखें नहीं झुकती, दान देते समय आपकी आंखें क्यों झुक जाती हैं? तो रहीम ने उस पत्र का उत्तर दिया पत्र लिखकर। क्या लिखा उस पत्र में कि तुलसीदास जी मेरी आंखें दान देते समय इसलिए झुक जाती हैं कि देने वाला तो कोई और है, देन हार कोई और है, लेन हार कोई और, लोग भ्रम हम पर करें, लोग मेरे ऊपर भ्रम करते हैं कि मैं दान देता हूं, मैं कुछ ही दान नहीं देता। अरे मेरे को अल्लाह, मेरे को भगवान देता है, पर मैं लोगों को देता हूं, भगवान ही मेरे को नहीं देगा, मेरे पास ही कुछ नहीं होगा, परमात्मा अल्लाह ही मेरे को कुछ नहीं देगा, तो मैं भी किसी को कुछ नहीं दूंगा। तो देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, लेकिन लोग मेरे ऊपर भ्रम करते हैं कि मैं दान देता हूं, मैं कोई दान नहीं देता, ईश्वर परमात्मा अल्लाह मेरे को देता है इसलिए मैं लोगों को दान देता हूं, लोग मेरे ऊपर भ्रम करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि मैं दान नहीं देता, मेरी आंखें इसलिए झुकती हैं कि लोग मेरे ऊपर भ्रम करते हैं कि मैं दान देता हूं, ये झूठा भ्रम करते हैं, इसलिए शर्म से, लज्जा से, कि मेरे ये सोचते हैं कि मैं दान दाता हूं इसलिए मेरी आंखें झुक जाती हैं। बच्चों ये आपके कवि परिचय पूरा हो चुका है। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो मैंने बता दी हैं, नीचे पाठ परिचय है आपके, जो पाठ परिचय कल समझा कर, कल आपका जो ये पाठ है ये शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।